अब रही बात खेत की तैयारी की, तो रबी मक्के की सफल खेती के लिए ढेले रहित भुरभुरी नमी युक्त समतल और खरपतवार रहित खेत तैयार करनी चाहिए। इसके लिए खरीफ फसल की कटनी के बाद एक या दो बार गहरी जुताई कर 3 से 4 दिनों तक खेत को खुला रखकर धूप लगने के बाद ही पाटा चलाएं। बुआई के पहले गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में छींटकर मिट्टी में मिला देना चाहिए। आमतौर पर बुआई के समय 3 जुताई करनी होती है। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात ये है कि जुताई 12 से 15 सेंटीमीटर गहरी होनी चाहिए। रबी मक्का की खेती में खरीफ मक्का की अपेक्षा जस्ते की कमी का कुप्रभाव पड़ता है, इसलिए मक्का की बुआई के समय जिंक सल्फेट का व्यवहार 3 साल में एक बार 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रहे कि खेत की तैयारी और बीज की बुआई के बीच का अंतराल कम से कम समय का हो। आइए अब बुआई की तरीकों को बारीकियों से समझते हैं। रबी मक्का की बुआई का समय 15 अक्टूबर से 20 नवंबर है, इसलिए हथिया नक्षत्र की समाप्ति के बाद संकर और संकुल मक्का की विभिन्न किस्मों की बुआई करनी चाहिए। 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की बुआई करनी चाहिए और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर, इसके साथ साथ पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज बोने की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर रखें और मक्के की बुआई हमेशा पंक्तियों में ही करें। ध्यान रहे कि बीज और खाद को अलग अलग नालियों में व्यवहार करना चाहिए ताकि बीजों के अंकुरण पर खाद का बुरा प्रभाव ना पड़े।